फोन लगा दिया बेशरम, मेरी बात सर मुझे बोले दे, अब तू ना ना बोलेगा, अब तेरे तूने मेरे को मुनाफिक पाकिट मार चोर कैसे बोला, क्या देख लिया तूने? पहले ये साबित कर, उसके बाद में कोई और बात होगी। सोहम इलिया शरफुद्दीन की नाजायज औलाद, तू पहले मेरे को बता कि मैं मुनाफिक कैसे हुआ, चोर कैसे हुआ, पाकिट मार कैसे हुआ, तूने कब देखा, तेरे पास कोई सबूत है? अल्लाह के यहाँ पे पेश करना है तुझे। मैं तू मौलाना है क्या? तेरे को मैं बोला क्या कुछ? मैं तो इलिया शरफुद्दीन मौलाना है इसलिए उसको बोला, क्योंकि वो अहले हदीस बोलता है अपने आप, अहले हदीस नहीं है वो अहले खबीज है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होता तो मैं उसी से नॉलेज लेता, समझा? कुछ अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होता तो मैं इलिया शरफुद्दीन से गलती से नॉलेज ले लेता और मैं सऊदी परस बन जाता। मैं तो तौहीद परस बनना चाहता हूँ ना, मुहम्मदी। मैं शिया सुन्नी वहाँ भी नहीं बन सकता ना सोहम, इसलिए नॉन मुस्लिम की 34 कुरान की आयत को मैं क्या बोलता हूँ, इसका तर्जुमा अल्लाह रब्बुल इज्जत है, माबूद नॉन मुस्लिमों का माबूद में से 34 करोड़ में से एक माबूद को तूने उठाया, पता नहीं तूने ए बाइल। मैंने ना सारे बुतों को छोड़कर कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब जानता है ना बेटा अच्छी तरह तू? हाँ, तो फिर महादेव महादेव क्यों भोगता है भाई? महादेव महादेव भोगता इसलिए क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरे रब ने पैदा किया मुझे हिंदू, मैं अरबी नहीं हूँ, अजमी हूँ। रब ने तुझे हिंदू नहीं, मेरे रब ने मुझे हिंदू पैदा किया, हिंदुस्तान में बनाकर भेजा, तो क्यों भेजा? हिंदी हमारे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी अरबी नहीं है, तो मैं हिंदी में नहीं, मैं तकरीर करूंगा अरबी में तो कौन झाटा समझ पाएगा बे लौड़े, इतना दिमाग नहीं है तेरे को? जितने भी यहाँ पे, अरे तो मैं हिंदी में समझाता हूँ, तेरे इलिया शरफुद्दीन से बेहतरीन समझाता हूँ, वो कुरान की आयत को खा जाता है, तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, तो हम वैसा नहीं करते, हमको अल्लाह का डर है। कौन सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया बता मुझे, कौन सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया? सूरे अंबिया, सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96 में लिखा है, वह हराम अला करियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजीऊ। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने ना एक ऐसी ताकतवर कौम पैदा किया जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकती, समझ में आ रहा है? उसको हम ही कत्ल करेंगे। जरा गौर से सुनना, सबर रखेगा तो नॉलेज मिलेगा, ठीक है? हमारे स्टूडेंट लोगों के पास बहुत सबर है, अब तू मेरा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है? तू मेरा दुश्मन है, क्योंकि तू मौलाना लोगों को सर पे बिठाता है और कुरान की आयतों को पैरों की ठोकरों पर, समझ रहा है सोहम भाई? मौलाना तेरे को मैं दलील दे रहा हूँ, चुप रहे। मौलाना इलिया शरफुद्दीन का बेटा बन के तू आया है तो बात कर मेरे से, ठीक है? मैं भागता नहीं हूँ किसी से, मैं मैदान जंग से पीठ दिखा के भागने वाला छोकरा नहीं हूँ। याली याली मेरा नाम है अली, मैदान के मैदान जंग से पीठ दिखा के भागते नहीं है। सुन, कौन सी आयत छुपाता है तेरा बाप इलिया शरफुद्दीन? मुझे ये बता, इलिया शरफुद्दीन कौन सी काटा ना दो बार में? अगर तू इतना मेरे नबी ने कहा जाहिलों से बात नहीं करने का, तो काट दिया फोन। अरे गाली तो तू दिया था पहले, मुनाफिक बोला, चोर बोला, पाकेट मार बोला, तो साबित कर रहे दो बाप की औलाद। अरे तो गाली से ही साहब, गाली नहीं चाहिए। सामने होता ना, सामने होता तो लात मुक्का मार के फिर तेरे को समझा के लास्ट में पप्पी दे के छोड़ देता। तू मुझे कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने होता और इतनी तेरी जुर्रत हो जाती अगर जुबान से मेरे को पाकेट मार मुनाफिक बोलता ना, कुत्ता बना डालता तेरे को, और उसके बाद में तेरे को समझाता और प्यार से पप्पी लेके तेरा इलाज भी करा देता। हाँ मैं मुसलमान, कौन है? हाँ मैं मुसलमान। इलिया शरफुद्दीन सऊदी का कुत्ता है और वो कुरान की आयतों को छुपाता है। कौन सी आयत तू बोला ना, तो सुन, नॉलेज ले मुझसे, फालतू की बात नहीं करने का। सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, मैंने हरामियों को पाक बस्ती से निकाल दिया है हमेशा के लिए और उसमें कभी दाखिल नहीं हो सकते। हरामी कौन है रे? जो बैंकिंग सिस्टम बनाए ना वो लोग हरामी है। ये लोग कौन है? यहूदी लोग है। इन लोगों कहां से निकाला? बैतुल मुकद्दस से निकाला। अल्लाह क्या कह रहा है? हत्ता इजा फुतिहत याजूज माजूज हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। अल्लाह बोल रहा है कि वो लोग वापस आएंगे जब याजूज और माजूज खुल जाएंगे।
ये हरामी लोग 100 साल हो गए है वापस बैतुल मुकद्दस के अंदर पाक बस्ती के अंदर हम मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, और इलिया शरफुद्दीन बोलता है याजिज माजिद नहीं खुले, कुरान की आयत का इनकार कर रहा हूँ। याजिद माजिद कहाँ खुला, नहीं खुला मैं। अरे तो तेरे पास में नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूँ, तेरे पास में कुरान का नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूँ, अल्लाह ने तेरे को भेज दिया, अल्लाह ने भेज दिया तेरे को अली के पास में, तो मैं क्या करूँ, बात नहीं करूँ। याजूज मजूज, अल्लाह ने तुझे अली के पास भेजा क्योंकि तेरे पास नॉलेज नहीं है, तूने मुझे गाली दिया और मैंने तुझे पकड़ लिया। तूने मुझे कुछ नहीं पकड़ा, तूने मुझे गाली दिया और मैंने तेरी माँ बहन चोट दिया बराबर से। तो भाई चोट दा मैं भी सकता, लेकिन सामने तेरी माँ का भोसड़ा तेरी सामने आना लौड़े। अब सुन ना, सामने आगे बात करे तेरी माँ की छूत, इधर नेताओं में गाल में दम नहीं है। मादर चोदो तुम लोग, मौलाना लोग, भोसड़ी के कटवे लोग, बटे हुए लोग, तुम लोग, तुम्हारी बहन को चोदो, तुम्हारी शिया सुन्नी सऊदी शिया। अरे तो मैं तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ, तू जिस मौलाना का लंड चूस रहा है ना उसको बोल रहा हूँ, जिस मौलाना का तू लंड चूस रहा है ना इलिया शरफुद्दीन उसको बोल रहा हूँ। डिबेट करने का दम होगा ना, एक बाप की औलाद होगा ना तो सामने आना, डिबेट करके लौड़े। तेरे पास नॉलेज ही नहीं है, याजूज और माजूज कुरान के अंदर लिखा है और अल्लाह ताला कह रहा है कि वो लोग खुल गए हैं, तू नहीं मान रहा है तो मत मानना, तेरी माँ की चूत तेरी, मत मान लो। अबे देख शिया सुन्नी सऊदी कुरान की आयत है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरको में ना बटो, तो शिया भी नहीं मानता है इस कुरान की आयत को, सुन्नी भी नहीं मानता है इस कुरान की आयत को, और सऊदी भी नहीं मानता। सिर्फ तू मानता है, सिर्फ गांडू मानता है ना, सिर्फ एक वस्तु है जो मानता है, इसलिए मुझे इसलिए मेरी माँ बहन देखती है। तेरी माँ की चूत, अगर तू फिरका परस मौलाना का बुल्ला चूसेगा तो गाली नहीं दूंगा लौड़े, फिरका परस मौलाना लोग का बुल्ला चूसेगा तो गाली नहीं दूंगा तेरे को, पूजा करूंगा तेरी, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। अल्लाह की कसम, तू मुझे अभी मिलता ना तो मैं तेरी गांड भी मारता, लंड का भाड़ा भी लेता, झाटूरा का भी फोन।